नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए आप अच्छी डाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी रूटीन में बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे उसमें हम डाइट की बात करें, फूड की बात करें, या एक बेहतर मील की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, लेकिन आज हम आपको एक खास चीज़ बताने जा रहे हैं। चूँकि गर्मियों का सीज़न आ रहा है और गर्मी में दही का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दही का आप सेवन करते हैं और फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सेवन आपको नहीं करना है, ये उल्टा असर आपकी बॉडी पर कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कि आखिर दही के साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे दही और फल के बारे में। दही और छाछ के साथ फलों का सेवन भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। इसका असर पाचन तंत्र पर पड़ता है और ये आंतों को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही एसिडिटी की दिक्कत आपको हो सकती है और एलर्जी की समस्या आपको पैदा हो सकती है। साथ ही दही और मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दरअसल ये बताया जाता है कि इसकी वजह दोनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। क्योंकि दोनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इनका कॉम्बिनेशन शरीर में ख़राब असर डालता है। इसलिए दही और मछली का सेवन आपको एक साथ नहीं करना है। वहीं प्रोटीन की अधिकता से पेट की जो समस्याएं हैं वो आपको बढ़ सकती हैं। साथ ही दही के साथ आपको ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि खाने के साथ लोग दही का सेवन तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑयली डाइट हैं और उनके साथ आप दही खा लेते हैं। तो दही के साथ छोले भटूरे हो गए, परांठे हो गए, पूरी हो गई, ये जो ऑयली चीज़ें हैं इनका सेवन आपको नहीं करना है। इसमें पाचन प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है और साथ ही दिन भर आलस आपको महसूस होता है, स्किन पर दाने हो सकते हैं और एलर्जी की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही दही और आम का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि आम की जो तासीर है वो गर्म होती है और दही ठंडा होता है। ऐसे में दोनों को अगर आप एक साथ खाएंगे तो ठंडा गर्म हो जाएगा और जो पाचन की प्रक्रिया है वो गड़बड़ा सकती है। इस तरह से कई समस्याएं आपके शरीर में पैदा हो सकती हैं, कई विषाक्त जो पदार्थ हैं वो बन सकते हैं, स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं वो बढ़ सकती हैं और आपके चेहरे पर दाग धब्बे भी हो सकते हैं। साथ ही दही और प्याज का सेवन भी आपको नहीं करना है, ये हानिकारक होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दही ठंडा होता है, प्याज की तासीर गर्म होती है, स्किन पर एलर्जी इससे हो सकती है और साथ ही दाने आपके चेहरे पर यानी कि पिंपल्स आपके चेहरे पर भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।